इमरान भाई, ये इसमें रिवर्स पीटीओ और फॉरवर्ड मल्टी स्पीड, इसको कई लोग मल्टी स्पीड बोलते हैं, मल्टी स्पीड नहीं, फॉरवर्ड मल्टी स्पीड आता है ये। फॉरवर्ड रिवर्स पीटीओ मतलब उल्टा भी घूम जाएगा, फॉरवर्ड पीटीओ का मतलब ये है कि अपनी इच्छा के हिसाब से आप राउंड निकाल सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि पोटेटो की खेती होती है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये पहले हमारा ये 744 पोटेटो एक्सपर्ट के नाम से आता था, इसलिए इसमें स्पेशल ये कैची लगाई गई, एक्सल लगाया गया है। तो इसी मॉडल, इसी ट्रैक्टर के अंदर आने का क्या कारण रहा भाई, क्या चीजें पसंद आया आपको जो भाई ये वाला मॉडल लिया जाए? भाई वही ठीक चल रहा था हमारे 700 KC। अच्छा, तो वही लेंगे ना। तो अच्छा, तो डीजल खपत की बात करूँ तो क्या तरह की डीजल खपत करता है जैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो के अंदर देखो भाई, कोटा के अंदर जो स्वराज की डीलरशिप है यहाँ पर है अपन, मुंडला ट्रैक्टर कोटा के नाम से है भाई ये, और स्वराज के सभी तरह के मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। तो यहाँ पर से एक किसान भाई ने ट्रैक्टर भी लिया है, यहाँ पर से आप काफी सारे मॉडल तो इस साइड पर देख सकते हो। किसान भाई अपनी पसंद से अपना जो पसंदीदा मॉडल वो यहाँ पर से ले सकता है। और किसान भाई ने किस कीमत में ट्रैक्टर लिया है और क्या क्या फीचर है ट्रैक्टर के अंदर, थोड़ा बहुत ये जानते हैं, फिर किसान भाई से बात करेंगे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, किसान भाई ने रोटावेटर भी साथ में लिया है। तो पहले तो यहाँ पर जो इनसे बात करते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश सिंह, मुंडला ट्रैक्टर स्वराज कंपनी से सेल्समैन हूँ यहाँ पे। अब ये इमरान भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और ये थोड़ी इसकी आप लोगों के पास जानकारी पहुँचाएंगे। ये स्वराज 744 XT है, ये अभी XT सीरीज का सबसे दमदार ट्रैक्टर निकाला है उन्होंने। 50-52 HP की रेंज में ये ट्रैक्टर है। अच्छा, 52 HP तक की पावर लगाएगा ये? जी लगाएगा, खेती बाड़ी में काम करेंगे तो। कितने सिलेंडर का इंजन दिया ये? इसमें 3 सिलेंडर का इंजन आता है, 3478 CC का इसका इंजन आता है। अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों का जो सबसे ज्यादा पसंद करने वाला मॉडल? सबसे ज्यादा पसंद ये 744 ही अभी चल रहा है। अच्छा, यही चल रहा है। हाँ, पहले भी यही था, पहले ओल्ड मॉडल में मतलब प्लेन बोनट में आता था, अब ये सिंगल बोनट कर दिया है। अच्छा, इसका लुक का एडवांस फायदा ये है कि पहले का जो बोनट था हमारा उसमें अलग अलग पार्ट थे, तो उसमें क्या है कि कई बार बोल्ट ढीला हो गया, कुछ भी हो गया तो आवाज करने लगता। अब ये कंपनी ने सिंगल पीस में कर दिया है इसको बोनट। अच्छा, तो अभी से मैं हिलने विलने का काम कोई नहीं है। कोई भी चांस नहीं है। अच्छा, नो झंझट इससे तो खत्म है, और आगे से ये पूरा फोल्ड हो जाता। अच्छा, है ये किस प्रकार से ओपन होगा एक ये थोड़ा सा ये भी बताएं। इसको इस टाइप में ये खुल जाएगा। अच्छा, आप पूरे रेडिएटर की सफाई करनी या कुछ भी, पहले रेडिएटर की सफाई करने में थोड़ी समस्या आती थी, अब आसानी से आप रेडिएटर को भी साफ कर सकते हैं। इंजन का कोई सा भी काम करना है तो वो भी आराम से, क्योंकि पूरा इंजन ओपन हो गया इसका। कुछ काम करो या जैसे किसान भाई सफाई भी करता सफाई है। करते हैं तो अब प्रॉपर तरीके से सफाई हो सकती है, और खेती बाड़ी के काम से निमट के जैसे धुलाई भी करना करनी तो आराम से कर सकता है। आराम से कर सकता है। और ये वाला जो बम्पर दिया है आपने, तो ये हमने नहीं दिया है, ये हमारे कस्टमर है जो श्री रूपचंद जी, ये खुद मिस्त्री है। अच्छा, तो अपनी इच्छा के अनुसार इन्होंने ये उनने खुद नहीं बनाया है। अच्छा, इनने कहा कि बम्पर हम अपना खुद ही बनाएंगे और खुद ही लगाएंगे, तो ये हम इनने खुद ही, तो ये लगाने का मतलब जैसे इसकी एक लुक भी और भी अच्छी। हाँ, ये उनने लुक के हिसाब से मॉडिफाई जी ये लग गया। तो सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे कि कौन कौन से किसान भाइयों के लिए ये वाला मॉडल परफेक्ट रहने वाला है? इसको रोटावेटर चलाना है, रीपर भी इससे बढ़िया चलता है। अच्छा, भूसे वाली जो रीपर, भूसे वाली रीपर होती है। अच्छा, और भी इसके अलावा जैसे मिनी कंबाइन है जो जिसको अपन टोकरी वाली थ्रेसर बोलते हैं, वो उसमें भी परफेक्ट है ये। रिवर्स पीटीओ और फॉरवर्ड मल्टी स्पीड, इसको कई लोग मल्टी स्पीड बोलते हैं, मल्टी स्पीड नहीं, फॉरवर्ड मल्टी स्पीड आता है ये। फॉरवर्ड रिवर्स पीटीओ मतलब उल्टा भी घूम जाएगा, फॉरवर्ड पीटीओ का मतलब ये है कि अपनी इच्छा के हिसाब से आप राउंड निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे आपको जरूरत है, जितने राउंड की जरूरत है, जैसा इम्प्लीमेंट आप चला रहे, कंप्रेसर चला रहे बिल्कुल स्लो रेस में, यदि उसको ज्यादा राउंड की जरूरत है आप
में दे सकते हैं। अच्छा, इसमें दे सकते हैं। जी। थोड़ा सा एक्सेल के बारे में, ये एक्सेल इसका एडजस्टेबल होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि पोटेटो की खेती होती है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये पहले हमारा ये 744 पोटेटो एक्सपर्ट के नाम से आता था, इसलिए इसमें स्पेशल ये कैची लगाई गई, एक्सेल लगाया गया है। दिखने में भी हैवी, दिखने में भी हैवी। अच्छा, तो इसमें जैसे ट्रैक्टर अगर लोड पे भी चलेगा तो यूं लिफ्टिंग वगैरह भी ना करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये कोई भी इसमें, पहली चीज तो ये इतना वेट है ट्रैक्टर का कि उठने का तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, काफी हैवी दिया हुआ है और किसान भाई जैसे फसल के हिसाब से इसे कम ज्यादा भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आप गैप चाहिए। बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। अब कुछ पीछे भी आइए आप। अब इसमें नए लुक में ये डैशबोर्ड भी इसका चेंज कर दिया, माइलोमीटर वगैरह ये डिजिटल कर दिए हैं इसमें। अच्छा, सब ये डिजिटल कर दिया। हाँ, और पावर स्टीयरिंग है ही है ये। स्टीयरिंग भी छोटा बड़ा, ये पावर स्टीयरिंग में छोटा भी लिया था। और गियर ऑप्शन भी बताएं सर इसका। गियर ऑप्शन का ये है कि इसमें लो और हाई ऑप्शन में है। रिवर्स पीटीओ के लिए CRPTO दे रखा है। CRPTO से अपन रिवर्स पीटीओ चलेगा, फॉरवर्ड मल्टी स्पीड भी चलेगी। इनमें जिस हिसाब से अपन को स्पीड चाहिए उस हिसाब से गियर डालते जाइए और अपना काम आसानी से होगा। तो सर, अब जो इसका पिछला वाला जो भाग है ट्रैक्टर का, इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी जो नॉलेज है हमारे किसान भाइयों को बताएं भाई। जी, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 2000 kg। पहले 1800 kg में आता था। अच्छा, 2000 kg की लिफ्टिंग मिलने में जो बहुत ज्यादा है इस रेंज के अंदर। पहले 1800 में था, पहले 1800, अब इसको बढ़ा दिया है जब से ये XT मॉडल आया है उसमें। और इसके अलावा पीटीओ पावर की बात करें तो सर, पीटीओ पावर ये 34 HP में आता है। अच्छा, 34 kW किलोवाट 34 kW की इसकी पीटीओ पावर। जी, और ये इसमें एक नया ऑप्शन आया है इजी हिच का। अच्छा, ये वाला, ये इजी हिच का काम ये है कि यदि सिंगल पर्सन है तो उसको कई बार इम्प्लीमेंट खोलने और जोड़ने में दिक्कत जाती थी। अच्छा, बार बार आगे जाएगा एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे, तो इसमें ये ऑप्शन दे दिया है। इससे आप यहीं खड़े होके सिंगल पर्सन ही इसको एडजस्ट करके अपना इम्प्लीमेंट आसानी से लगा सकता है। किसान भाई अगर एक ही है तो वो अकेला ही कल्टीवेटर भी, अकेला ही कोई सी भी इम्प्लीमेंट हो वो इसके थ्रू, क्योंकि इससे लिफ्ट को ऊपर नीचे करना है तो आगे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आराम से एडजस्ट कर सकते। तो किसान भाई ने जैसे कि ये वाला भी ये लिया है पूरा वेटर, यहाँ पर देख सकते और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी, पहले रोटावेटर आता था, फिर उसके बाद में आने लगा जायरोवेटर। अब ये आया है, अपने स्वराज नहीं बनाया है ये। अच्छा, खुद स्वराज का प्रोडक्शन है ये। अच्छा, हाँ, स्वराज ही, ये स्वराज ही मार्किंग वगैरह स्वराज की है। इसका एडवांस फायदा ये है कि ये डायरेक्ट बगैर हकाई के, बिना कल्टी चलाए आप इसको डायरेक्ट खेत में चला सकते हैं। फसल काटो और डायरेक्ट इसको चलाओ। पहले क्या होता था, कल्टी से हकाई करो फिर इससे बारीक करते थे मिट्टी, तो उसमें डबल खर्चा आता था, डीजल डबल लगता था। अब ये समस्या खत्म हो गई। उसके अलावा इसकी ब्लेड हैवी कर दी। अच्छा, इसकी ब्लेड जायरोवेटर से हैवी आती है। अच्छा, इसकी ब्लेड भी उसमें भी ब्लेड ज़्यादा, उसमें 52 ब्लेड आएगी, इसमें 48 ब्लेड है, 48 ब्लेड है। 48 ब्लेड है मगर हैवी है, बड़ी साइज है, ये गहराई तक भी जाती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि मिट्टी भर जाती है, ज़्यादा ब्लेड होने से मिट्टी भरती है, तो उसमें किसान को बार बार सफाई करनी पड़ती है, समय खराब होता है, डीजल का नुकसान होता है। अब इसमें कोई भरने का चांस नहीं। अच्छा अच्छा, ओए सर, जैसे ट्रैक्टर की एक जानकारी दी आपने, तो धन्यवाद। अब थोड़ी सी बात किसान भाई से करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो नाम बताओ जी पहले तो आप। गोवर्धन जी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? सडिना के। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? नियाखेड़ा सेक्टर के पास। अच्छा, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाँ, लाडपुर में। लाडपुर। अच्छा, लाडपुरा में आता है। लाडपुर। तो ये वाला मॉडल ले लिया आपने जैसे की। हाँ। तो इसकी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ। और इससे पहले कौन सा वाला मॉडल था आपने पास? 744 735। अच्छा, स्वराज का ही मॉडल था इससे। हाँ, पहले। तो इस स्वराज का मॉडल चला रहे थे, तो इसी मॉडल इसी ट्रैक्टर के अंदर आने का क्या कारण रहा भाई? क्या चीजें पसंद आया आपको जो भाई ये वाला मॉडल लिया जाए? भाई वही ठीक चल रहा था हमारे 735 से। अच्छा अच्छा, तो फिर वही लेंगे ना। तो अच्छा, तो डीजल खपत की बात करूं तो क्या तरह की डीजल खपत करता है जैसे? डीजल बराबर दिखाते हैं सब। अच्छा, सबका लोड के हिसाब से? हाँ, लोड के हिसाब से, जितना लोड डालोगे उतना ही खाएगा। अच्छा, और मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में कुछ नहीं। अच्छा, नो मेंटेनेंस है। हाँ।
अच्छा बढ़िया है, चलो तो कीमत का एक आइडिया लूं मैं आपसे, तो किस कीमत में लिया है ये वाला मॉडल आपने? ये मॉडल का सात का। अच्छा अब समान पड़ गया, ज्यादा पड़ गया आठ का, पड़ा सात ही खरीद। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, और ये छतरी आठ का पड़ गया। अच्छा हाँ, ये सेटअप भी ले लिया जैसे हाँ, 40 से 50 हजार तक तो यही ये, आ जाता है। ये पड़ गया 45 हजार के लमसम इनने खर्चा लगाया है ट्रैक्टर में, इनने अपनी इच्छा से लगाया, कैनोपी अपन लगा के दे रहे हैं, ये स्पीकर बाहर से लगवाया, मार्केट से ले लिए हैं स्पीकर, मार्केट से कैनोपी अपने ही कंपनी में। मार्केट लोग तो ये भी एक किसान का शौक है, आज शौक है, और हम लोग बोलते भी हैं यदि ऑप्शन है अपने पास में, यदि कोई इच्छा है तो हम कैनोपी हम लगा के दे देते हैं। जैसे धन्यवाद सर हमारे किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी देने के लिए। तो भाइयों जैसे कि आपने देखा किसान भाई ने ये वाला मॉडल लिया है, और इससे पहले भी स्वराज का ही मॉडल था इनके पास, बट इनों को जैसे कुछ इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें भी दिखी हैं और मेंटेनेंस भी इनको नहीं दिखा इसके अंदर, तो यही वाली जो चीज है वो किसान भाई ने ले लिए। तो आप भी आसपास से हो और ये वाला मॉडल आप परचेस करना चाहते हो, वीडियो के ऊपर जो नंबर दिख रहा है इस पर एक बार आप कॉल करके बात कर सकते हो। ये जो नंबर है कोटा डीलरशिप का नंबर है इस एरिया से, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। चलिए दोस्तों।